हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं देवांशी, आज आपके लिए लाई हूँ एक नया वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्लोन ऐप में क्या बदलाव हुआ है जो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपके लिए इसमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने क्लोन ऐप में। तो हम यहाँ पे क्लोन ऐप में आ जाते हैं और जैसे ही आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप सब में आ गया होगा तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट में आपको क्या दिखा है, एडेड हिडन वीपीएन फंक्शन, यानी कि जो आपका वीपीएन फंक्शन है वो आप हिडन कर सकते हैं, वो आया है इसमें। और ऐड लोकल पेमेंट इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। और यहाँ पे आप फिक्स नोन बक्स, जो आपके जो भी बक्स थे वो भी फिक्स हो गए हैं, तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। तो हम इसे अपडेट कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए हमारा ये अपडेट हो गया है, अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जिन लोग के पास भी ये नहीं है या किसी में अपडेट नहीं आया है तो मैं इसका लिंक आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल में ले लीजिएगा, वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगा। अगर आप में नहीं आया है तो अदरवाइज़ वेट करिए, सब में आ जाएगा। तो चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे क्लोन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लोन में क्या करना है, स्टार मेकर का करना है मान लीजिए। तो यहाँ पे आइकन आपको जो भी रखना है आप वो रख सकते हैं, वो तो मैंने बताया ही है आपको, तो वो आप कर लीजिएगा। तो मैं आइकन नहीं चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पर बस चेंज कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे 6 कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। जो हमारा ओएस है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अपडेट के बाद ओएस आपका चेंज हो गया होगा, 2.7 हो गया होगा। तो आप ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जनरल सेटिंग में जाना है और आप क्या कीजिएगा कि गूगल प्ले सर्विस ऑफ़ कर दीजिएगा, जिससे आपका आईडी बैन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए आपका ये वीपीएन हिडन वाला ऑप्शन आ चुका है, जो अभी बताया था कि बग फिक्स हो चुका है। तो आप यहाँ से इसे ओपन कर देंगे तो जो आपका वीपीएन है, जो भी आपका आईपी एड्रेस जो हैक कर लेता था स्टार मेकर, अब वो हैक नहीं कर पाएगा। तो आप इसे ओपन कर दीजिएगा। तो आप फिर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइस प्राइवेसी में जाना है। डिवाइस प्राइवेसी में आपको सेम वही करना जो पहले मैंने आपको बताया था, ऑल क्लिक करके और यहाँ पे रैंडम कर देना है। रैंडम करने के बाद हम इसको टर्न ऑन कर देते हैं। टर्न ऑन करने के बाद अब हम यहाँ से बैक हो जाते हैं और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा डिवाइस प्राइवेसी चेंज हो गया है ब्रांड मॉडल। तो हाँ चेंज हो गया है। अब हम इसे बैक करके क्लोन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा क्लोन बन गया है। अब हम इसे एक आईडी बना के देखते हैं इसमें। तो आपको जो भी क्लोन बनाना है इस क्लोन ऐप में, वो न्यू वर्जन का ही बनाना होगा। अगर आप ओल्ड वर्जन का बनाएंगे तो आप में फिर से बग इशू आ जाएंगे। तो आप हो सके तो स्टार मेकर का करंट वर्जन जो अभी चल रहा है आप उसको क्लोन कीजिएगा। और अगर आप स्टार मेकर लाइट भी कर रहे हैं तो अभी उसमें ऑलरेडी बग चल रहा है, तो स्टार मेकर लाइट का नहीं करके आप स्टार मेकर का ही कीजिएगा तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ अभी स्टार मेकर लाइट आप देख रहे होंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए यहाँ पे अब हम करते हैं टेम्प मेल। तो हम टेम्प मेल ले लेते हैं और टेम्प मेल लेने के बाद अब हम यहाँ से कोई भी ईमेल ले लेते हैं। तो हमारे पास जो ईमेल आता है हम एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें न्यू मिल जाएगा। तो हम इसको यहाँ से डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ जाएंगे तो हमें एक नया मेल देखने को मिलेगा। हम इसको कॉपी कर लेंगे।
कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करते हैं और फिर से यहाँ आते हैं और हमारा OTP है तो ये हमारा लॉगिन का आ गया है। अब हम यहाँ से इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन सक्सेस हो गया है। अब हम यहाँ पे पासवर्ड, तो मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देती हूँ पासवर्ड के लिए। तो जैसे कि हमारा पासवर्ड पड़ गया है, अब हम इसको डन कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो पासवर्ड पढ़ने के बाद, अभी नेटवर्क स्लो है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, वरना जल्दी हो जाता है। हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम इसको हटा देते हैं क्लिक करके और नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अभी हम किसी रूम में एंटर करके देखते हैं। तो देखिए हमारी आईडी अभी चल रही है। किसी और रूम में भी एक बार जाके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी एंटर कर जा रही है। तो देख, आप देख सकते हैं कि आपका जो VPN है, अगर आप उसे ऑफ कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो आपका जो लोकेशन है वो फाउंड नहीं कर पाएगा। और जो आपका स्टामेकर ID बैन हो जाती थी, अब बैन नहीं होगी। तो ये क्लोन ऐप का बहुत ही अच्छा अपडेट है। तो आप उसे अपडेट करके और वो आप सेटिंग करना VPN, नहीं भूलिएगा, आपकी ID बैन नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।